ओके तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किम छो, नमस्ते, और होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ दी डीप पब्लिक ब्रॉडकास्ट। मैं ब्लॉग बोल रहा था, अच्छा मुझे याद आ गया तो मैंने ब्रॉडकास्ट बोल दिया। सो टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, बट उस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, एक बात बताता चलूँ और कहता चलूँ यार कि पता नहीं हमारे साथ क्या मसला है और कौन सा प्रॉब्लम है हमारे साथ, मुझे सीरियसली नहीं पता। ऐसे जब हमें बोलना होता ना कि करना होता कि हमें सबसे ना साथ कंधे से कंधा मिला के और कदम से कदम मिला के चलना होता, तब हम सबसे पीछे होते हैं। यानी हमें कौन सी मौत आ रही थी, हम सबसे पीछे होते हैं। और जब आज मौत सामने से चल कर आ रही है ना, तो हम सबसे आगे हम जाना चाह रहे हैं, हम हर दूसरी कंट्रीज को हम बीट करना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम ना तुम्हें बीट करके हम तुमसे आगे निकलेंगे। तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया, मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। पता नहीं इस मामले में जब मौत आ रही है ना, तो हमें नहीं, हमें वहाँ पे जाना है और हमें उनके साथ उनका सामना करना है। पता नहीं हमारे में कौन सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर स्टार्ट करते हैं, और क्या कहूँ यार, मैं यही कहना चाहूँगा कि ना इटली के आप केसेस देख रहे हैं कितने सारे। एक मिनट लेट मी चेक, मैंने ज़रा नेट बंद कर दिया और ज़रा मैंने साइड मैंने बंद कर दी। इटली में करोना वायरस के जो सिम्टम्स और केसेस चल रहे ना, वो मैक्सिमम 60,000 से भी ज़्यादा हैं। 63,927 टोटल केसेस करोना वायरस के आए हैं, उसमें से डेथ हो चुकी है 6,077 लोगों की और रिकवर हुए सिर्फ 7,432। तो ये तो सिर्फ मैं इटली की बात करूँ कि इटली अभी सबसे टॉपस्ट पर चल रही थी, और हमारी कंट्री इतनी मतलब बोलते ना, हमारी कंट्री तो नहीं बोलते, हमारे लोग क्योंकि बात मानते नहीं है और क्या बोलें इनके बारे में। हम तो उसको बीट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पे तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इट्स लाइक के इनसेन। यार ये बहुत ख़राब बात है यार। वैसे मुझे हंसी आती है कि हम किसी भी चीज़ में हम दूसरी कंट्रीज को बीट करना नहीं चाहते, पर इस मामले में जहाँ पे इतने मसले मसाइल हैं और इतने, जब हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है ईच एंड एवरी पर्सन इज़ लाइक के गवर्नमेंट का के इस बार के ना हमें बचाने की कोशिश करिए, और हम हैं कि नहीं हमें तो मरना ही है, हम क्या कर सकते हैं। और चले बैक टू दी पॉइंट, पूरे दुनिया में साढ़े तीन लाख से भी ऊपर केसेस अभी तक आ चुके हैं। 16,314 लोग मर चुके हैं और 101,380 लोग का सिर्फ रिकवरी हुई है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अभी तक 803 केसेस आ चुके हैं, वो भी अब तक की नहीं बता रहा हूँ, कल रात तक की बता रहा हूँ। पता नहीं कितने केसेस बढ़ चुके होंगे, कितने लोग की डेथ हो रही है, अभी तक डेथ रेशो भी सामने नहीं आया। और जो अभी न्यूज़ में डेथ रेशो बता रहे हैं वो 4 है, अभी पता नहीं कितने डेथ रेशो, अल्लाह ना करे हो गया हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी 803 हैं, तो 803 में से 803 रिकवर हो जाए और हमारा मुल्क इससे आता जाए, नॉट सिर्फ हमारा मुल्क, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस चीज़ से सही हो जाए। बट कमिंग बैक टू दी टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ग्राफ की तरफ से हमारा जो चल रहा है ना, बिल्कुल ख़राब हमारा चल रहा है। पाकिस्तान क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है, हम दूसरी कंट्रीज़ को बीट करते हुए आ रहे हैं, और दिन में हमारे केसेस कैसे मैं आपको बताऊँ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बोलते ना एक के बाद दो के बाद तीन के चार, एक्सपोनेंशियल, अच्छा वर्ड मुझे याद है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है हमारी। जैसे एक के बाद दो को रहा है, दो के बाद चार को रहा है, चार के बाद आठ को रहा है, ऐसे करके हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सही है, इसी वजह से हमारे केसेस बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं, और क्योंकि हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, हम लोग घर में अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग अपने आप को, अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेना, तो यार अगर हमें होगा भी, अगर मुझे है भी अल्लाह ना करे, तो भी शायद मेरी वजह से किसी और को ना हो, और अगर किसी और को है, अगर मैं बाहर जाऊँगा, तो मुझे उसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि वो भी बाहर है और मैं भी बाहर हूँ। फर्स्ट जिसको है वो तो पहली फुर्सत में बाहर ना निकलना, और दूसरी बात यह है कि उस बंदे को प्रिकॉशन जितने हो सके लें जो जिसको हुआ हुआ है, और जिसको नहीं हुआ हुआ है वो भाई वो भी लो, क्योंकि तुम बाहर निकलोगे तुम्हें नहीं पता किसको है, क्योंकि हमें तो सिम्टम्स मालूम ही नहीं चलते 14 दिन तक। तो और इन लास्ट बस में एपिसोड में जितना हो सके मैं ब्रॉडकास्ट छोटा रहूँगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, तो इन लास्ट में उन सब नर्सेस, डॉक्टर्स, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस
ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और जितने हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और जितने ऐसे ग्रेड्स के ऑफिसर्स हैं जो हमारे लिए काम करें, क्योंकि अगर हम घरों में रहेंगे केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और वो भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे, पर जो लोग केसेस में आ चुके हैं, जैसे भी केसेस में अगर आए हैं वो, उनका पॉजिटिव आया तो उनको डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो भी इंसान है यार, फिर भी वो हमें हैंडल कर रहे हैं। ये केस इतना वायरस इतना खतरनाक है, छूने से भी लग जाता है, किसी की भी फौरन डेथ हो सकती है, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स, पुलिस, रेंजर्स सब हमें नीचे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि रेंजर्स, पुलिस, आर्मी सब नीचे खड़ी हुई हमें प्रोटेक्शन दे रही, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कर्फ्यू लगा हुआ है, चाहे वो इटली हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये हालात है। सही ना, तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करी, डॉक्टर्स बहुत सपोर्ट करे, नर्सेज बहुत सपोर्ट करी, तो मुझे पहले तो मैं डॉक्टर्स, नर्स, गवर्नमेंट के हर ऑफिसर और पुलिस, रेंजर्स एंड आर्मी जितने भी हैं सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और ये भी इंसान है यार, इनका भी आप ख्याल रखें, क्योंकि आज मैं बोलूँगा कि ये है तो हम हैं। अगर ये हमारे, अगर ये एक केस भी खुला छोड़ देना, मैं सही बता रहा हूँ, हमारी फट जाएगी। सही है ना, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लें, मास्क वेयर करें, सैनिटाइज़र यूज़ करो यार, यूज़ करो सैनिटाइज़र, अपना हाथ हर आधे घंटे में साफ़ करो, मैक्सिमम अपने हाथ हर आधे घंटे में साफ़ करो। सही ना, मास्क वेयर करो, मास्क भी पड़ा करो, घर में तो मास्क पहनूंगा नहीं, सही ना, मास्क वेयर करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, जितना हो सके अपने आप को पाक साफ रखो। सही ना भाई, दिन में एक मरतबा नहाने जाते हो तो दो मरतबा नहाने जाओ, हेल्दी खाना खाओ। सही ना, और घरों में रहो, खास करके अपने आप को आइसोलेट करो, सबसे बेस्ट चीज़ है अपने आप को आइसोलेट करो। इसी वजह से अगर आपको होगा भी ना तो भी आप ठीक हो सकते, अगर अपना आइसोलेट करोगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, हेल्दी खाना खाओ, और अपने साथ अपने जानने वालों का भी ख्याल रखो, अपने दिल से जो करीब है उनका भी ख्याल रखो, और गरीबों का भी ख्याल रखो अगर किसी को नीड हो तो। इन दी एंड में भी यही कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स टू, तो ये सब ठीक रहेंगे, हम ठीक रहेंगे तो दूसरे ठीक रहेंगे। इसमें प्लेन वाली मिसाल दूंगा भाई, पहले खुद मास्क पहने फिर किसी और को पहनाए, खुद सेहतमंद रहेंगे तो किसी को सेहतमंद कर सकेंगे और किसी की उसमें हेल्प कर सकेंगे। तो इन दी एंड जस्ट गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड सी यू सून इन दी नेक्स्ट वीडियो और ब्रॉडकास्ट व्लॉग, एंड टेक केयर, और बस बाय बाय, थैंक यू सो मच। पल 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 याद तेरी तड़पा वैसे।